हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनहेंसर रितिका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड गाइस, आई होप आप लोगों को मेरी लास्ट वाली वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने रक्षाबंधन पे वो लुक जरूर ट्राई किया होगा। नहीं किया है तो आगे भी बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, प्लीज़ ऐसे लुक ट्राई करते रहिए। सो गाइस, बात करते हैं आज की वीडियो की। माई टूडे वीडियो इज ऑल अबाउट द माई वेस्टर्न इयरिंग्स कलेक्शन। गाइस, मैंने आप लोगों को बहुत से अपने इयरिंग का कलेक्शन दिखाया है जो कि ट्रेडिशनल था। उसमें लॉन्ग इयरिंग्स भी थे और कुछ शॉर्ट इयरिंग्स भी थे, कुछ डेली वेयर थे और कुछ सिर्फ पार्टी वेयर ही थे। बट जो आज के से वो कुछ मिक्सअप है, कुछ कॉम्बिनेशन है कि आप उन्हें सूट पे पहने, साड़ी पे पहने, वो हर किसी पे अच्छे लगेंगे और अगर आप उन्हें वेस्टर्न ड्रेसेस पे पहनेंगे तो वो उस पे भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगेंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं कि मेरे पास कौन कौन से इयरिंग है। वैसे तो मेरे पास गाइज बहुत सारे हैं बट मैंने सोचा कि मैं उनमें से कुछ लिमिटेड सेलेक्ट करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ ताकि आप लोगों को आइडिया मिल पाए कि किस तरह से आप कौन से आउटफिट पे कैसे इयरिंग्स कैरी कर सकते हैं। सो देखते हैं मेरा पहला इयरिंग। सो गाइज, हियर इट इज। दिस इज़ द वेरी नॉर्मल लूप इयरिंग एंड आई नो कि हर किसी गर्ल के पास इयरिंग ना भी हो ना, अगर नॉर्मल तो ये वाले इयरिंग तो उनके पास होते ही होते हैं क्योंकि बहुत ही कॉमन है। हम इन्हें ड्रेस पे या जीन्स पे किसी भी तरह से पहनते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं इन्हें पहन के दिखाती हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता है इनका क्या लुक आता है, बट लेट्स ट्राई इट आउट। सो गाइज, हियर इट इज। ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन इयरिंग है, हर किसी के पास बहुत इजीली अवेलेबल भी होंगे और बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो अगर आपको कोई भी इयरिंग नहीं समझ आ रही है ना कि कैसे आउटफिट पे कैसे इयरिंग कैरी करें, तो प्लीज़ अगर आपके पास इस तरह के इयरिंग्स हैं, इस तरह के लूप्स हैं, कैरी कीजिए एंड आपका लुक रेडी हो जाएगा। सो गाइज, लेट्स सी माई नेक्स्ट इयरिंग्स। सो हियर इट इज़। ये ना बहुत ही मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, बहुत प्यारी सी इयरिंग है सी, और ये वाकई में ड्रेस पे बहुत अच्छे लगते हैं। सो लेट्स स्टाइल इट आउट। सो हियर इट इज। देखेंगे आप बहुत ही यूनिक तरह के, बहुत ही मेरे फेवरेट इयरिंग्स हैं। आपके पास भी ऐसे ही कुछ है, सेम नहीं भी हो तो चलेगा, ऐसा ही कुछ होगा तो भी आप उसे ड्रेस पे कैरी कीजिए और वो आप पे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगेंगे। सो लेट्स चेक माई नेक्स्ट इयरिंग्स। सो गाइज, हेयर इट इज़। दीज आर वेरी सिंपल येट वेरी एलिगेंट डिज़ाइन। यू कैन सी कुछ इस तरह की इयरिंग है ये, इन्हें आप सूट पे भी कैरी कर सकते हैं और अगर आपकी ड्रेस थोड़ी सी ट्रेडिशनल वेयर प्लस वेस्टर्न है, जो इंडो वेस्टर्न टाइप होता है, उस पर भी आप लोग इजिली कैरी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टाइल इट आउट। सो हेयर इट इज़। आप देख सकते हैं ये इयरिंग्स ऐसे हैं कि आप इन्हें वेस्टर्न भी पहनेंगे और ट्रेडिशनल भी पहनेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। कॉज गाइज, ये इंडो वेस्टर्न लुक देता है, तो अगर आपके पास इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस हैं तो प्लीज़ इस तरह के इयरिंग्स कैरी कीजिए। इस तरह के नहीं भी हो तो चलेगा, कुछ इसी तरह के सिमिलर इयरिंग्स अगर आपके पास हो तो इंडो वेस्टर्न पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड इट विल लुक डेफिनेटली वेरी ऑसम ऑन यू। सो गाइज, लेट्स सी माई नेक्स्ट इयरिंग्स। नाउ दीज आर वेरी कॉमन आई थिंक, क्योंकि मैंने ये बहुत शॉप्स पे भी देखे हैं और बहुत लोगों के पास भी देखे हैं। बहुत लाइट वेट प्लस बहुत ही हमारे डेली वेयर वाले इयरिंग्स हैं कि हम अगर हम ऑफिस भी जा रहे हैं, हमने थोड़ा सा अच्छा अपने आप को रेडी किया है, हम ऐसे इयरिंग्स डालें एंड यू आर रेडी। सो लेट्स स्टाइल इट आउट। हेयर आई एम। देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लुक वाली इयरिंग है, बहुत ही लाइट वेट है। बिलीव मी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने ईयर में अपने कुछ कैरी भी कर रखा है और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लुक भी देते हैं। तो अगर आपके पास कोई टॉप है, कोई बहुत ही ज़्यादा आपका मन कर रहा है कि आप ऑफिस जाए रेडी होके, तो इस तरह के इयरिंग्स कैरी कीजिए। कुछ आपके पास अच्छा सा वेस्टर्न आउटफिट हो वो कैरी कीजिए एंड यू आर रेडी फॉर योर ऑफिस। सो गाइज, लेट्स सी माई नेक्स्ट इयरिंग्स। सो ये भी वही हैं जो हम इंडो वेस्टर्न पे ट्राई कर सकते हैं, और अगर हमारे पास वेस्टर्न भी हम कैरी करते हैं ज़्यादा, हमारे पास ट्रेडिशनल भी है वेस्टर्न भी है, तो उस पर इस तरह के इयरिंग्स कैरी कीजिए। सी दिस, ये बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे इयरिंग्स है, बहुत ही लाइट वेट है ये भी। सो लेट्स स्टाइल इट आउट। सो
सो गाइस हियर इट इज। ये भी बहुत ही सिंपल से इयररिंग्स है, इंडो वेस्टर्न पे आप इसे कैरी कीजिए। कुछ इस तरह के इयररिंग्स मैंने बहुत देखे मार्केट में मिलते हुए, तो आप भी जाइए एक्सप्लोर कीजिए। बहुत से इयररिंग्स अगर आपके पास घर पे भी हैं तो आप इस तरह की इयररिंग पहनिए। आपको अगर इंडो वेस्टर्न लुक ट्राई करना है किसी फेस्टिवल पे, तो ये लाइट वेट इयररिंग है। अगर आप हैवी पसंद नहीं करते हैं तो इस तरह की इयररिंग डालिए एंड आपका लुक रेडी हो जाएगा। सो गाइज लेट्स सी माई नेक्स्ट इयररिंग्स। सो दीज आर हेयर एंड ये भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत लाइट वेट है। मेरे पास ना सारे वेस्टर्न आपको लाइट वेट ही दिखेंगे। बहुत ही अच्छे से इयररिंग है, बहुत सिंपल है। अगर आपके पास नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल लुक भी कैरी कर रहे हैं तो इस तरह की इयररिंग कैरी कीजिए एंड आप रेडी हो जाएंगे। सो लेट्स स्टाइल इट आउट। सो हेयर आई एम आर माई इयरिंग्स। सो गाइज आप देख सकते हैं बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही, अगर आपको सिंपल लुक कैरी करना है तो इस तरह के इयरिंग्स ज़रूर ट्राई कीजिए एंड इट विल लुक डेफिनेटली ऑसम ऑन यू। सो गाइज लेट्स चेक माई नेक्स्ट कलेक्शन नाउ। हेयर इज सम वेरी यूनिक इयरिंग्स गाइज, सी इन्हें कैरी करना थोड़ा हुआ है। देखिए कुछ इस तरह से ये रिमूव होता है, देन हम इसे पहनेंगे। सो लेट्स स्टाइल इट आउट। सो हेयर आई एम, देख सकते हैं आप ये बहुत ही यूनिक तरह के इयरिंग्स हैं। वेस्टर्न लुक पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं आपके पास, और ये पर्टिकुलरली किसी एक कलर पे ही जाएंगे। तो अगर आपके पास रॉयल ब्लू कलर की कोई ड्रेस है या कुछ भी है, तो ये ऐसे इयरिंग्स इजिली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो आप वहाँ जाइए परचेज कीजिए और कुछ इस तरह से अपने लुक में चार चांद लगाइए। सो गाइज लेट्स चेक माई लास्ट बट नॉट द लीस्ट इयरिंग्स। सो हेयर इट इज। ये मैंने ना पर्टिकुलरली ग्रे के बेसिस पे लिए थे कि मेरे पास एक ग्रे टॉप था और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था, तो मैंने सोचा कि मैं उसे पूरा ही अटायर बनाऊँ अपना। तो मैंने उसके साथ मैचिंग के इयररिंग्स, मैचिंग की हील, सब कुछ मैचिंग का लिया था। तो मैंने ये तभी लिए थे और ये बहुत प्यारे भी लगते हैं कुछ इस तरह के, गोल्डन में, मल्टी कलर में, हर किसी कलर में आते हैं। तो अगर आपको जो भी कलर पसंद हो आप ले सकते हैं। सो गाइज लेट्स स्टाइल देम आउट। सो गाइज हियर आई एम विद माई लास्ट बट नॉट द लीस्ट इयरिंग्स। ऐसे ही बहुत से कलेक्शंस मैं आपको अपने दिखाती रहूँगी। तो ये आज के मेरे लास्ट इयरिंग्स थे एंड आई होप गाइज कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरे लास्ट इयरिंग्स थे आज के लिए, बट मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है। मैं कोशिश करूँगी कि एक एक करके आपके पास सारा कलेक्शन लेकर आऊँ, आप लोगों को अपनी सारी चीज़ें शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को भी आइडिया मिल पाए कि किस तरह से रेडी होना है। क्योंकि जो आने वाला सीज़न है वो फेस्टिव सीज़न है, हमें घर में रहना है बट हमें रेडी तो होना ही है, क्योंकि घर में रह के भी रेडी होने का एक अलग ही मज़ा है। So guys, do not forget to like my video, share my video and subscribe my channel. And पास में जो bell button है उसे भी press करना, so that you will not miss any further notification. So guys, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई video के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए और हाथों को sanitize करते रहिए, mask पहन के ही बाहर जाइए। कोरोना बहुत ज़्यादा कम हो रहा है दिल्ली में, बट पीक पे वो जाएगा। सो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें एंड अपना ख्याल रखें। एंड कोई भी अगर क्वेरी हो, कोई भी अगर आपको कॉमेंट करना हो, तो डू लीव यू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। एंड मुझे इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलें। एंड टेक केयर एंड बाय बाय।